यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो मैनी स्टूडेंट मैसेज मई कि सर वॉट अबाउट द अमेंडमेंट लेक्चर फॉर द मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सर न्यू बुक्स अवेलेबल है या नहीं हमको लेनी चाहिए या नहीं रिविजन लेक्चर्स जो है वो आपके कब आने वाले है तो मैंने सोचा एक छोटा वीडियो ही बना लेता हूँ और उस वीडियो में जितने भी आपके डाउट है उन डाउट्स को क्लियर कर दू तो सबसे पहली चीज अमेंडमेंट लेक्चर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन पहला तो क्वेश्चन यह है कि सर इज मे 2023 के लिए अमेंडमेंट्स है या नहीं है आंसर इज यस अमेंडमेंट है एंड आपके एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स है कोई कोई लोग बोलते कितने अमेंडमेंट है सर थोड़े से ही है या ज्यादा है अब मैं बता दू ना थोड़े है ना ज्यादा है बट अमेंडमेंट्स तो है और अमेंडमेंट्स अच्छे खासे हैं अगर मैं असमेंट लाइक टॉपिक की बात करूं लाइक असेसमेंट प्रोसीजर एज वेल एज द टी डी एस टी सी एस एज वेल एज द ट्रस्ट टैक्सेशन ये ऐसे टॉपिक है जहां पे अच्छे खासे अमेंडमेंट है ऑब्वियसली इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट में इतने अमेंडमेंट नहीं है बट डी के पार्ट में अमेंडमेंट्स है तो सर अमेंडमेंट्स के लिए एक बार एक और नई चीज़ ये हुई है कि आईसीआई ने मटेरियली इशू नहीं किया मे 2023 थाउजेंड ट्वेंटी के लिए आईसीआई नॉट आईसीड एनी न्यू मटीरियल फॉलो कर लो जो नवंबर टू थाउजेंडी टू के लिए था उसके साथ उन्होंने एक किया है. तो मैं आपको यह सप्लीमेंट्री बताना चाहूंगा जो आईसीआई ने इश्यू किया है दिस इज दप्लीमेंट्री एंड दप्लीमेंट्री ऑफ द टू एटी पेजेस टू एटी पेजेस का अमेंडमेंट का फाइल है जहां पर उन्होंने जो जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट उन्होंने कवर

तो इतने सारे अमेंडमेंट है देखो 280 पेजेस के नहीं है बहुत बार इन्होंने क्या किया है कि जैसे टैक्स रेट में कोई चेंजेस नहीं है तो भी उन्होंने वापस से उसमें रिपीट किया है तो पेजेस ज्यादा हो जाएंगे कुछ कुछ उन्होंने टॉपिक ही दे दिए जैसे ट्रस्ट टैक्सेशन में ज्यादा अमेंडमेंट थे तो उन्होंने एज इट इज पूरा ट्रस्ट टैक्सेशन टॉपिक है वो दिया है सो so, हमको क्या सर कुछ टेंशन लेने की जरूरत है बिल्कुल नहीं डोंट वरी अबाउट दैट अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये रहेगा कि सर वाई आईसीआई नॉट इश्यूड द न्यू मटेरियल फॉर द मे टू रीजन बड़ा क्लियर है जैसा कि सब जगह आप सुन ही रहे नवंबर 2023 से सिलेबस जो अभी तक से पॉसिबिलिटी है कि नवंबर 2023 से देर विल बी न्यू सिलेबस और आईसीआई डायरेक्टली स्टडी मटेरियल फॉर द न्यू सिलेबस वो न्यू सिलेबस के लिए ही डायरेक्टली स्टडी मटेरियल इश्यू करने वाले है तो डी के साथ भी ऐसा ही हुआ है

और हर टॉपिक में कहीं ना कहीं पे कहीं दो पैराग्राफ के बाद अमेंडमेंट कहीं तीन पैराग्राफ के बाद अमेंडमेंट सर आप ऐसे नोट्स बना के दे दो मैं नोट्स बनाने दूंगा तो फिर बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे करके ठीक है सो so इसके लिए इट इज बेटर टू फॉलो द न्यू कॉम्पैक्ट अब सर न्यू कॉम्पैक्ट क्या है कैसा है तो मैं आपको जस्ट कॉम्पैक्ट का एक बार थोड़ा बता देता हूं इस बार के कॉम्पैक्ट में क्या नया है क्या खास है इस बार के कॉम्पैक्ट में तो इस बार के कॉम्पैक्ट जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर मे जून 2023

और आपने बहुत ज्यादा लाइक किया और केस लॉ का पार्ट आप जब नवंबर 2022 का एग्जाम का पेपर देखेंगे उसमें तीन या चार प्लेसेस ऐसे थे जहां पे केस लॉस पूछा था और मैंने क्या किया था कॉम्पैक्ट में साथ साथ में ही केस लॉस दे रखे थे जिससे क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है उसके साथ साथ में इस बार ऑब्वियसली जो अमेंडमेंट में हर बार हम क्या करते हैं के ग्रीन कलर में लिखते हैं तो जो अमेंडमेंट है वो ग्रीन कलर में है। जैसे आप देखोगे यहां पे जो आपका हायर सरचार्ज 37 सेवन परसेंट ट्वेंटी परसेंट नहीं लगता इन केस ऑफ द एल टी सी जी वन वन टू है एस टी सी जी ट्रिपल वन है डिविडेंट उसके साथ साथ यहाँ वन वन टू और कवर किया है वन वन टू के केस में भी नहीं लगेगा करके ठीक है चलिए उसके बाद में जो अमेंडमेंट है अमेंडमेंट में ये वाला पार्ट तो अमेंडमेंट ऑलरेडी आपको पता है इस बार और हमने न्यू क्या किया है एक बहुत अच्छी न्यू चीज की है न्यू मैं एक तो चीज ये है कि हम लोग ये तो पहले से करते हैं हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आप देखोगे ना जैसे पहले टॉपिक में मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड हमने काफी एग्जाम्पल्स यहाँ पे कवर किया है तो कोई कोई लोग बोलते हैं हमारे जो क्रिटिक्स है वो लोग बोलते हैं इनकी बुक बहुत मोटी है अरे मोटी तो होगी ना भैया जब हम एग्जाम्पल देंगे करके ठीक है इतने सारे एग्जाम्पल है सात आठ एग्जाम्पल तो सिर्फ टैक्स रेट कैलकुलेशन पे ही है मार्जिनल रिलीफ पे है तो आपके बुक्स के जो पेजेस है वो पेजेस तो बढ़ेंगे ही वो तो नॉर्मल है करके ठीक है चलिए उसके बाद में अगर अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे दैट इज द कैपिटल गेन व्हाट इज द न्यू दिस टाइम और ये यूनिक चीज मैंने इस बार की है और वो न्यू चीज ये है कि आप टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है जो आपको देखना है जैसे ये आप पढ़ रहे हो और यहां पे आपने ये फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 पढ़ा तो फर्स्ट प्रोवाइज टू सेक्शन 48 एट दैट इज कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है आप सीधा जाइए कंपाइलर के क्वेश्चन नंबर 18 पे तो आप क्या करेंगे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके साथ में आप डायरेक्टली जंप करेंगे क्वेश्चन पे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यस ये क्वेश्चन हमारा हो गया

ये वाला कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू स्टॉक इन ट्रेड तो आप एक काम करिए कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए तो मैंने ये इस बार थोड़ी मेहनत की है कि कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने क्रॉस रेफरेंसिंग दे दिया क्वेश्चन का जिससे आपके लिए इजी रहे हमने इस कॉम्पैक्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और बेस्ट पार्ट इज अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कवर किए बिकॉज आईसीआई का सप्लीमेंट्री भी देखोगे दो या तीन जगह ऐसी है जहां पर उन्होंने क्वेश्चन दिए है अमेंडमेंट से रिलेटेड बाकी जगह उन्होंने अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं दिए है तो हमने क्या किया जो जो अमेंडमेंट्स थे उसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन सिचुएशन बन सकती थी वो हमने कॉम्पैक्ट बुक में ही कवर की है करके ठीक है एंड बहुत प्यारा लगता है ये जो बुक है मैं बताऊं मेरा सबसे पहला प्यार है वो ये बुक है बिकॉज वी स्टार्टेड दिस बुक इन द 2015-16 के आसपास हमने स्टार्ट किया था और दैट वाज द लाइक आई प्राउडली आई कैन से दैट इट वाज द फर्स्ट हैंड रिटन बुक इन द इंडिया जो इस फॉर्मेट में थी पहले जो बुक्स आती थी वो एकदम कैसे आती थी आपको भी पता है आजकल तो हर लोगों ने क्या कर दिया हर किसी का हैंड रिटन फॉन्ट में आ रहा है हर किसी का ऐसा आ रहा है बट वी वर द फर्स्ट जिन्होंने ये बुक निकाली थी तो मैंने आपको बता दूं एडवाइजेबल ये रहेगा आप नई बुक है वो कहीं से अरेंज करिए मान लो आपके फ्रेंड का नवंबर 2023 में एग्जाम है उसके पास बुक है, बुक है, है, है? है? आप 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 उससे लेके पढ़िए, यही रहेगा, नहीं नहीं, लीजिए करके, करके, ठीक ठीक अब आप कौन से फॉर्म में लेना चाहते वो मुझे पता नहीं, बोलेंगे ले, ले क्या करके, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी, जो आपका मन करे, वैसा आप और मैंने यहां पास में लिखा इट इज ओनली फॉर द सीएमए स्टूडेंट अभी के लिए मैंने ओनली फॉर द सीएमए स्टूडेंट लिखा ऐसा क्यों ऐसा इसके लिए क्योंकि न्यू सिलेबस शायद नवंबर से लगेगा और ब्लैक मनी एक्ट है वो सीए फाइनल में भी आने वाला है जो सीए फाइनल का सिलेबस है उस सीए फाइनल के सिलेबस में भी ब्लैक मनी एक्ट आने वाला है तो मैंने क्या किया पहले से प्रिकॉशन लेके रखा है कि अगर आपके पास ये बुक है और आप नवंबर 2023 में आप अपीयर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अगर ये एक्ट जब आपके लिए भी लग जाएगा तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा ये जो फाइव सिक्स पेजेस है वो आपको भी पढ़ने पड़ेंगे दिस इज द वॉल्यूम नंबर वन है कॉम्पैक्ट का ऐसे का ऐसा टू भी है जो कि अप्रोक्स वन पेजेस का है वॉल्यूम नंबर टू जिसमें हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर किया है उसके बाद में सर एक बात बताइए हमारे अमेंडमेंट लेक्चर कब से एप्लीकेबल होने वाले है? तो पहली चीज तो जो स्टूडेंट ने हमारे बैच लिए हैं मे नवंबर 2023 फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच देर इज नो नीड टू चेक द अमेंडमेंट लेक्चर फॉर यू आपके लिए नहीं देखना है जो मैंने क्लासेस में एवरी परसेंट अमेंडेड दूसरी चीज जो लोगों ने पहले बैच लिया था मे नवंबर टू का और वो लोग अमेंडमेंट देखना चाहते हैं डोंट वरी हम अमेंडमेंट लेक्चर अपलोड करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ द दिसंबर और जनवरी जनवरी में मोस्टली अमेंडमेंट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका रिविजन लेक्चर कब से आएंगे रिविजन लेक्चर भी जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे मेरे बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं अभी मैं बैचेज में बिजी हूं बट जनवरी से आपके रिविजन लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएंगे आपको रिविजन लेक्चर भी मिल जाएंगे तो आप टेंशन ना लें और बाकी आप प्रिपेयर करें अच्छे से ढंग से पढ़ते रहे जब तक आपके पास रिविजन लेक्चर नहीं आते तब तक आप पुराने वाले रिविजन लेक्चर्स है उसको फॉलो कर सकते हैं अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली आपके पास नहीं होगा उन रिविजन लेक्चर्स में बट न्यू रिविजन लेक्चर्स आएंगे उसमें हर चीज कवर हो जाएगी ठीक है उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं सर इस बार भी ऐसा कोई सुपर थर्टी क्वेश्चन जैसा कि आपने लास्ट टाइम दिया था हमारे बहुत सारे फ्रेंड ने बोला कि इट वाज हेल्पफुल करके ऐसा कुछ आप करने वाले हैं मे ट्वेंटी थ्री के लिए आंसर इज यस मे ट्वेंटी थ्री के लिए मैं बहुत अच्छी चीज लेके आ रहा हूँ दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू एंड जो आप मे ट्वेंटी में एग्जाम दे रहे हैं दैट सरप्राइज यू विल गेट इन द मंथ ऑफ द फेब फेब में होने वाला है तो फैब में कुछ ऐसा सरप्राइज अच्छा मिलने वाला है आपको जिससे आपका लास्ट लास्ट टाइम टाइम वाला वाला जो रहेगा का वो वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा बहुत अच्छे से आप वाला है है रिवाइज कर पाएंगे ठीक चलिए तो यही था आज के इस सेशन में जस्ट मैंने सोचा आपसे थोड़ा मुलाकात किया जाए थोड़ी बात की जाए बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे आईसीआई का न्यू मटेरियल आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा ओनली सप्लीमेंट्री दे हैव इश्यूड करके ठीक है चलिए अब एक और चीज समझना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नवंबर 2023 में एग्जाम दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सर हम क्या करें अभी हमको बैच आपका ले लेना चाहिए या नहीं राइट आंसर इज डीटी का बैच आप ले सकते हो डीटी के बैच में कोई दिक्कत नहीं बिकॉज़ फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल होगा और आपके सिलेबस में क्या चीजें ऐड हो सकती है तो डीटी में कोई ऐसा ड्रस्टिक चेंज नहीं होगा बिकॉज़ डीटी इज बेस्ड ऑन द लॉ तो लॉ में अब क्या चेंज होगा सिंपल सी चीज है ये चीज चेंज हो सकती है जैसा मार्केट में आ रहा है कि ब्लैक मनी एक्ट आ जाएगा हम ऑलरेडी यहां पे डाल चुके हैं लेक्चर आपको बाद में प्रोवाइड कर लेंगे सैलरी जो है वो नहीं रहेगा फाइनल में ऐसा भी सुनने में आ रहा है एक टैक्स ऑडिट वाला जो टॉपिक है वो सी ए फाइनल में डाल दिया जाएगा डी टी में ऐसे दो तीन चेंजेस है जो आप सुनने में आ रहे हैं डोंट वरी उसके लिए अगर ऐसा कुछ भी एडिशन हुआ तो आई विल प्रोवाइड अ वन अमेंडमेंट लेक्चर फॉर दू फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और वो आपको अलग से मिल जाएगा आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप अभी बैच ले सकते हैं ये आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा बिकॉज आप ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट जैसे बोल रहे लॉ नहीं रहेगा या कॉस्टिंग नहीं रहेगा उसके लिए हो सकता है आप वेट कर रहे हो बट आप डीटी जो है या फिर आईडीटी है उसके लिए आपको बैचेस ले लेने चाहिए जिससे कि आप टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए करके ठीक है चलिए उसके बाद में लाइक बस पढ़ाई करते रहिए खुश रहिए करके मोटिवेट रह के पढ़ते रहिए और आपका एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज किसी ने बोला है कि जो हार्डवर्क होता है ना उसका कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है यू हैव टू डू द हार्डवर्क बिकॉज ये एग्जाम ही ऐसा है जिसमें हार्डवर्क लगता है जिसमें टाइम लगता है अगर आप टाइम देंगे तो ही आपको चीजें जो आपकी डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है जिन लोगों ने एग्जाम दिया है नवंबर 2022 का बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन आपका पेपर सही से चेक हो ऐसा मैं प्रे करता हूं भगवान से कि सही से चेक हो ऐसे मुझे बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर लाइक like क्या सॉल्यूशन हो सकता क्या होता है ना जस्ट सब्जेक्टिव चीज़ है किसी किसी का पेपर सही चेक नहीं होता हम भी बहुत सारी चीजें हैं वो हमने प्रोटेस्ट भी किया लाइक like बहुत सारे मेल भी किए बहुत सारी फैकल्टी इंडिया की हम भी साथ में हैं तो इसमें मेरे को ये लगता है ना कभी कभी कि वॉट कैन बी अ बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस देखो अगर कोई बच्चा पेपर देता है तो उसके ऑल फोर पेपर में दिक्कत नहीं आती कि मेरे ऑल चार पेपर चेक खराब हुए ऐसा नहीं होता एक आधे पेपर में दिक्कत आती है तो आईसीआई भले पूरा रीवैल्यूएशन का राइट ना दे पूरे चार पेपर का राइट ना दे बट एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट पेपर का राइट देना चाहिए जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव अपियर फॉर फोर पेपर तो मेरे पास ये राइट होना चाहिए कि मैं एक पेपर को री इवेल्यूएट करवा सकूं जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें मेरे को मार्क्स सही नहीं मिले तो जिससे क्या होगा ना अगर मान लो चारों पेपर का अपन राइट मांगेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि इतना टाइम कहां से लाएंगे इतने सारे पेपर चेक कर कहां से लाएंगे वापस हर बच्चा यही बोलेगा चारों पेपर चेक कर लो बट एटलीस्ट आप वन पेपर का राइट दे दीजिए मैं सपोज फॉर एन एग्जांपल आपने फोर पेपर में अपियर किया है जस्ट गिव द राइट फॉर वन पेपर क्या उसका री इवेल्यूशन हो सके आपने बोथ ग्रुप अपियर किया है तो आपके पास टू पेपर का राइट होना चाहिए कि जो भी आपके पेपर आपको लगता है चेकिंग सही नहीं हुआ है उसको वापस से रीचेक करे करके ठीक है मैं भी इसको लेके आई विल मेल द आई एंड जो भी अप्रोप्रिएट लेवल पे अथॉरिटी है उनसे हम कम्युनिकेट करेंगे और इससे रिलेटेड बात करेंगे ये व्हाट मेरा फील है कि लाइक ऐसा हो तो बेस्ट हो जाए क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई लगता क्या होता भी है बहुत बार बिकॉज हर पेपर चेकर है वो अलग अलग चीजें रखता है और बहुत बार ऐसा होता है जब हम जब बुक देखते हैं ना कभी कभी बड़ा दुख भी होता है सोक so, क्या यार बच्चे ने सही लिखा था उसकी जगह मतलब उसको सही मार्क्स नहीं मिले एंड ऑल तो ये सब चीजें ठीक होनी चाहिए सो so, गाइस जिनका रिजल्ट आने वाला है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट डोंट वरी अबाउट दैट पास हो जाओ टेंशन मतलब करके ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स इन फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड